एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 27 अगस्त 2021। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से, इनफैक्ट अभी भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो इस बीच हम कुछ काम तो कर नहीं सकते, तो हमने सोचा हम कुछ खाने के लिए बना देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम बोर तो होने वाले हैं सारे दिन भर। तो आज हमने सोचा कि हम शुरुआत अपने ट्रेडिशनल फूड से करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट और मोस्ट फेमस फूड है हमारा, वो है पत्ते, यानी कि पतरोड़ू बोलते हैं उसे हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो आज हम वही बनाने वाले हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको अपने अरबी का खेत दिखाया था, तो इसी के जो ये पत्ते होते हैं उन्हीं से ही बनते हैं। तो इसकी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी, दादी दिखाएंगे, इनफैक्ट ये दादी की रेसिपी है। तो फिलहाल अभी दादी तोड़ रहे हैं, तो मैं भी दादी के पास ही जाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। हमने काफ़ी ज़्यादा पत्ते तोड़ लिए हैं, तो अभी हम सबसे पहले इन्हें अच्छे से वॉश करेंगे, उसके बाद इन्हें कट करेंगे, फिर हम आपको अच्छे से दिखाएंगे कि फिर कैसे बनाते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं पत्तों को अच्छे से वॉश। तो अभी दादी काट रहे हैं हरी मिर्च, बाकी तो दादी ने इसमें सभी मसाले मिक्स कर दिए हैं, बट हरी मिर्च रह गई थी तो दादी वही कर रहे हैं। और अभी हमने इसमें पत्ते भी काट के मिक्स करने हैं। तो अभी मैं काट रही हूँ उसके बीच पत्ते, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर मैं आपको इसका डो कैसे तैयार होता है उसकी पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी। हिमाचल में ना मैक्सिमम लोग पत्ते खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैक्सिमम बनाते भी है ऑलमोस्ट, और सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं अपने बनाने के। तो वैसे तो हम, अगर मैं अपनी बात करूँ, हम लोग तो वैसे दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हम पत्ते के ऊपर बेसन लगाते हैं और उन्हें फोल्ड कर देते हैं, और दूसरा ये डो वाला तरीका है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और हमें ये डो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरी दादी की रेसिपी है, दादी इसी तरह से बनाते हैं शुरू से, जब भी दादी हमें खिलाते हैं तो ऐसे ही बना के खिलाते हैं। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ आज, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर अभी दादी डो बनाना स्टार्ट कर लिया है दादी ने, तो अभी पत्ते मिक्स कर रहे हैं इस बेसन के बीच में। वैसे तो हमने आटा लिया है, बट आप बेसन भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास बेसन नहीं था घर पे, तो हमने आटा ही ले लिया है बनाने के लिए। तो अभी हमारा डो बनके तैयार हो चुका है, दादी ने रेडी कर दिया है। तो अब हम इसे गोल गोल शेप देंगे और स्टीमर में पकाने के लिए डाल देंगे। मस्त है ना दादी? फिलहाल अभी पत्ते तो हमने गैस पे लगाए पकने के लिए, तो अभी इन्हें पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी मेरी थोड़ी क्लासेस का टाइम भी हो गया है, अब 11:10 बाकी रह गया है। तो अभी मेरा लिंक भी आने वाला है क्लास का, तो पहले मैं क्लास अटेंड करती हूँ, उसके बाद आपको पत्ते की प्रोसेस दिखाती हूँ कि हम इसे किस तरह से बना के खाते हैं। तो अभी हमारे पत्ते हो चुके हैं रेडी, तो अभी मैं इन्हें कट करूँगी स्मॉल स्मॉल पीसेज में, और उसके बाद कढ़ाई में तलूँगी, और उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊँगी। हमारा तेल हो चुका है बॉयल, तो अब मैं इसमें अप्लाई करूंगी ये पत्ते। पत्ते रेडी हो चुके हैं बनके, और अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सही हो गया है, थोड़ा सा खुल गया और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है अभी। तो अभी मैं अपनी चाय के साथ ये पत्ते इन्जॉय करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए, तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय। Thinking
it's fair to be proud about it.